नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ अरनुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत टॉप न्यूज से। आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक, पीएम आवास पर करीब 11 बजे होगी बैठक। अमित शाह, राजनाथ सिंह रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी का आज आंध्र प्रदेश का दौरा, पलनाडु में एनडीए की चुनावी बैठक में होंगे शामिल। राहुल गांधी मुंबई में करेंगे महारैली, कई बड़े नेता, अभिनेता, खिलाड़ी और नामी हस्तियां हो सकते हैं शामिल। हिमाचल प्रदेश में 6 सदस्यीय कांग्रेस समन्वय समिति की पहली बैठक आज। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर होगा फोकस। शिमला में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने हिमाचल में सभी सीटें जीतने का किया दावा, कहा कि कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी 6 की 6 सीटें। गुजरात के ससुराल में घूंघट डालकर वोट मांगने पहुंची गेनीबेन ठाकुर, बनासकांठा से कांग्रेस उम्मीदवार है गेनीबेन। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद बोले राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, कहा कि प्रदेश की सभी 25 सीटें फिर से जीतेंगे हम। मथुरा में आचार संहिता लगते ही बैनर पोस्टर हटाना शुरू, नगर निगम ने मथुरा वृंदावन की सड़कों से उतारे पोस्टर। बहराइच में आचार संहिता लागू होने के बाद उतारे गए बैनर पोस्टर, सभी चौक चौराहों पर लगे बैनर और पोस्टर को जेसीबी हटाने का काम शुरू। गोंडा में प्रशासन ने उतरवाया राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग और पोस्टर, 24 घंटे में कर्मचारियों को सभी पोस्टर और होर्डिंग हटाने के निर्देश। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, 7 चरणों में होंगे लोकसभा का चुनाव। मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार ने दी जानकारी। 19 अप्रैल को पहले और 26 अप्रैल को दूसरे, 7 और 13 मई को तीसरे और चौथे चरण, 20 और 25 मई को पांचवें और छठवें चरण का, 1 जून को होगा 7वें चरण का मतदान, 4 जून को आएंगे चुनाव के नतीजे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव पर कोई भी अपडेट नहीं होंगे और केंद्र पर भड़के फारूक अब्दुल्ला, चुनाव आयोग पर अनदेखी का लगाया आरोप। लखनऊ में चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा कि यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। हरियाणा के रेवाड़ी में बड़ा हादसा, लाइफ लॉन्ग फैक्ट्री का बॉयलर फटा, हादसे में 40 लोग जख्मी। रेवाड़ी हादसे पर सीएम नायब सिंह सैनी ने जताया दुख, घायलों के तुरंत इलाज के दिए निर्देश। कानकोड़ में घायलों की मदद के लिए सीएम प्रमोद सावंत ने रोका काफिला, सीएम सावंत ने सड़क हादसे में घायलों की मदद की। तमिलनाडु के नीलगिरी में अग्निशमन के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर लॉन्च, बांबी बकेट से गिराए गए 8000 लीटर पानी। भारतीय नौसेना ने 35 समुद्री डाकू का कराया आत्मसमर्पण, 17 लोगों को सुरक्षित निकाला बाहर। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी, हजारों की संख्या में पहुंचे पर्यटक, लोग ले रहे बर्फबारी का मजा।